हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडोली स्टडीज़ पर। और आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले अच्छी अच्छी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये रही आज के वीडियो की पहेली, लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं, बताओ क्या। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका आंसर है चम्मच। चम्मच लोग खाने के लिए खरीदते तो जरूर है, लेकिन चम्मच थोड़ी ना खाते, चम्मच से तो खाना खाया जाता है। और ये है अगली पहेली, वह कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं। तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं? तो इसका जवाब है बर्थडे केक। जी हाँ दोस्तों, बर्थडे केक कट करने पर लोग हमेशा हैप्पी बर्थडे टू यू का सॉन्ग प्ले करते हैं। और ये है अगली पहेली, वह कौन सी कली है जो बागों में नहीं खेलती है, घर की दीवारों पर खेलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है छिपकली। जी हाँ दोस्तों, छिपकली बागों में नहीं, घरों में दीवारों पर दिखाई देती है। और यह है अगली पहेली, न भोजन खाता न वेतन लेता, फिर भी पहरा डट कर देता, बताओ क्या। तो इसका जवाब क्या होगा? लगाइए दिमाग और कमेंट कीजिए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ताला। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों को घरों में ताला लगा हुआ रहता है, जो कि ना कुछ वेतन लेता है ना ही कुछ खाता है, फिर भी पहरा देता है। और यह है अगली पहेली, ऐसा कौन सा पति है जो जंगल में भी रहता है और शहर में भी रहता है। तो दोस्तों बताइए, ऐसा कौन सा पति है जो जंगल और शहर दोनों में रहता है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी पहेलियां सुनने के लिए मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसका आंसर है वनस्पति, जो कि जंगल और शहर दोनों में रहता है। और ये है अगली पहेली, नहीं उसे बीमारी कोई, फिर भी गोली खाती है, छोटी सी है फिर भी वह सबको डराती है, बताओ क्या। छोटी सी है लेकिन वह सबको डराती है। लगाइए दिमाग और आंसर कीजिए इसका। इसका जवाब है बंदूक। छोटी सी है लेकिन इससे तो हर लोग डरते हैं। अगली पहेली है, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, दही के तालाब में नहाता हूँ, बताओ क्या। और इसका जवाब है दही बड़ा। और ये है अगली पहेली, माइकल के पिताजी के तीन बेटे हैं, जिनमें दो का नाम मई और जून है, तो बताओ तीसरे बेटे का क्या नाम होगा। तो इसका आंसर है माइकल, क्योंकि दो ऑलरेडी दिए हुए थे मई और जून, तो तीसरा माइकल खुद था। और ये है अगली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो कितनी भी चले पर थकती नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जो कितना भी चल ले पर थकती कभी नहीं है। तो इसका आंसर है परछाई। और यह अगली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदते समय हरी और इस्तेमाल करते समय लाल होती है। तो इसका आंसर कीजिए आप मुझे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खरीदते हैं तो वह हरी होती है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका आंसर है मेहंदी। और यह अगली पहेली, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा खाना नहीं पसंद करते हैं। धोखा। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में तो हर किसी ने कभी ना कभी धोखा खाया ही होगा, तो वह एक बार खाकर दोबारा खाना थोड़ी ना पसंद करेगा। और यह है अगली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़की पहनती भी है और खाती भी है। तो लगाइए दिमाग और आंसर कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियां पहनती भी है और साथ ही खाती भी है। तो उसका आंसर है लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग लड़कियां नाकों में पहनती भी है और लौंग को तो खाया भी जाता है। और ये है अगली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो सभी रात को निकाल कर सोते हैं। तो आंसर कीजिए मुझे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सभी रात को निकाल कर सोया करते हैं। चप्पल और जूते। जी हाँ, यह है अगली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम बंद तो कर सकते हैं लेकिन खोल नहीं सकते। तो आंसर कीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम बंद कर सकते हैं लेकिन कभी उसे खोल नहीं सकते। तो इसका आंसर है अलार्म। और यह है अगली पहेली, वह क्या चीज है जो पूरे गांव में घूमती है लेकिन मंदिर से
जाने से डरती है। तो बताइए दोस्तों कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे गांव में तो घूमती है लेकिन मंदिर जाने से उसे डर लगता है। तो इसका जवाब है चप्पल। चप्पल से पूरे गांव में तो घूमा जा सकता है लेकिन मंदिर में नहीं ले जा सकता। अगली पहेली है, वह कौन है जो दिल में है, मन में है, लेकिन धड़कन में नहीं है। तो इसका आंसर अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो ये रहा इसका जवाब, आमिर खान। आमिर खान दिल और मन मूवी दोनों में है लेकिन धड़कन मूवी में नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि धड़कन मूवी में कौन सा हीरो है। और ये है अगली पहेली, वह क्या चीज़ है जिसे हम काटते हैं, पीसते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। का जवाब है ताश के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, ताश के पत्तों को हम खेलने के दौरान काटते हैं, पीसते हैं, लेकिन कभी खाते नहीं हैं। और ये है अगली पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन उसे दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी होने के बाद भी दूसरे लोग उसे इस्तेमाल किया करते हैं। तो इसका जवाब है आपका नाम। आपके नाम को आपको छोड़कर दूसरे लोग आपको बुलाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये है अगली पहेली, ऐसा कौन सा नाम है जिसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं में लिखा जाता है। तो लगाइए दिमाग और इसका आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा नाम है जिसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं में लिखा जा सकता है। इसका जवाब है विनोद। जी हाँ दोस्तों, विनोद ही एक ऐसा नाम है जिसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं में लिखा जाता है। जैसे वी इंग्लिश वर्ड हो गया, नो गणित शब्द हो गया और द हिंदी वर्ड हो गया। अगली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुबह हरी, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को हरी दिखाई देती है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बिल्ली की आंखें। जी हाँ दोस्तों, बिल्ली की आंखें हमेशा अपने आंखों का रंग बदलती रहती है। अगली पहेली है, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। इसका जवाब है इंग्लिश में ई के बाद एन आता है, क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग होती है ई एन जी एल आई एच एच, जिसमें ई के बाद एन आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी हो तो इसी तरह की मज़ेदार पहेलियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वह भी ये मज़ेदार पहेलियाँ पढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल पंडोली।